ये जो है स्ट्रिंग है या फिर रोप है या फिर थ्रेड है। ठीक है, और ये जो है एक पॉइंट मास। ठीक है, तो हम लोग कभी कभी बॉब भी बोलते हैं, है ना। अब क्या है कि इसको हम लोगों को इतना वेलोसिटी देना है यहाँ पे, इतना यहाँ पे वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये पूरा कंप्लीट कर सके। क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब देखो, या तो दो तीन चीज़ हो सकता है। ठीक है, पहला है क्या कि फुल सर्कल कंप्लीट कर ले। क्लियर है क्या? पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, या फिर दूसरा में आ जाइए, क्या हो जाएगा? अगर ये यहाँ तक पहुँच, केवल यहाँ तक पहुँच पाता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा कि ये वापस बैक एंड फोर्थ करता रहेगा, है ना। पहले इधर जाएगा, फिर ये उतना ही इधर जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे करता रहेगा। क्लियर है क्या? समझ में? दूसरा हो गया, जब जो है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ये थीटा क्या हो गया? ये हो गया थीटा। क्लियर है क्या? लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, तो फिर क्या करेगा वो? एक पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करता रहेगा। क्लियर है क्या? तीसरा कंडीशन होगा, जब 90 डिग्री से लेकर के थीटा 180 डिग्री तक हो, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आएगा और उसके बाद फिर क्या बिहेवियर होगा? ठीक है, ये सब हम लोग एनालाइज करेंगे। तो ये तीन पार्ट में जो है हम लोग सारा सारा केसेस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला केस, ठीक है, सबसे पहला केस है जब थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है क्या? तो जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? ये पेंडुलम की तरह घूमता रहे। ठीक है, यहाँ तक है तो ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसा ये घूमता रहेगा। क्लियर है क्या? अब देखिए, ध्यान से समझने का है कि लेट अस से ये यहाँ पे पहुँच रहा है, कहाँ पे? यहाँ पे पहुँच रहा है, तो कितना इसने पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन किया? अगर इसका लेंथ एल है स्ट्रिंग का, तो ध्यान से देखिए, ये पूरा एल है ना, MgL, यस और नो? तो हम लिख सकते हैं क्या, यहां पे जो वेलोसिटी है वी, वी क्या है? वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पोजीशन, वेलोसिटी एट द तो ये वेलोसिटी क्या होना चाहिए? हाफ एम वी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू MgL। आ रहा समझ में? तो यहां तक आते आते इसका वेलोसिटी खत्म हो गया, तो फिर यहां पे वेलोसिटी जीरो हो गया, तो फिर बेचारा फिर से वापस चला जाएगा। क्लियर है क्या? घूमता रहेगा, MM चला गया। वी शुड बी लेस देन इक्वल टू √2 GL। क्लियर है क्या सर?
ठीक है। तो जब यहां पे वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू रूट टू जी एल होगा तो क्या होगा, ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो ऑसिलेट करता रहेगा, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं कंप्लीट सर्कल करने के लिए, ठीक है, कंप्लीट सर्कल करने के लिए इसको कितना वेलोसिटी चाहिए। ठीक कितना होना चाहिए वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट दी लोएस्ट पोजीशन। क्लियर है क्या यस और नो? ध्यान से समझने का है, कैसे समझने का है, ध्यान से। ये भैया जी यहां पे हैं, ठीक है। हाँ, अब जो है लेट अस से कि हम यहां से ले रहे हैं थीटा, ठीक है ना, थीटा जो है वर्टिकल से ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, वर्टिकल से, यहां पे पहुंच गया है। ठीक है, तो जो है अगर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाता है यहां पे अगर हम लोग इसका एफबीडी बनाए तो नीचे एमजी है, यस और नो, इधर है टेंशन, यस और नो, और इसका कुछ तो यहां पे है ना, यहाँ पे वेलोसिटी वी था तो यहाँ पे हम वेलोसिटी ले लेते हैं, लेट अस से है ना वी वन क्या लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए कितना ये ऊपर तक गया है, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये है एल, ये तो एल पूरा चला गया यहां से यहां तक, क्लियर है क्या। अब जो है ये एल है, ये लेंथ है ना स्ट्रिंग का, एल कॉस थीटा दिख रहा है क्या, ये एल कॉस थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं क्या, एनर्जी कंजर्वेशन से सबसे पहले एनर्जी इसके पास था हाफ एम वी स्क्वायर, उसके बाद इसके पास एनर्जी हो गया हाफ एम वी वन स्क्वायर, यहां पे जो वेलोसिटी है वी वन, प्लस एम जी एल वन प्लस कॉस थीटा। एल प्लस एल कॉस थीटा, इतना ऊपर गया ना तो इतना पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ ना, क्लियर है क्या। एम 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 कट गया, वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस टू जी एल वन प्लस कॉस थीटा, कोई दिक्कत, कोई टेंशन। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए ये टेंशन टी है, ठीक है ना, ये थीटा था तो ये भी थीटा हो जाएगा, यस और नो, इधर अगर थीटा था तो ये भी थीटा हो जाएगा ना। हाँ, जब टेंशन जीरो हो जाए, जब टेंशन जीरो हो जाए तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक, ये समझ में आया। स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक का मतलब क्या है, ये है स्लैक। हम इसको इससे पुल तो कर सकते हैं, पुश, ये हो गया स्लैक। ऐसे जो है बॉल गया, ऐसे गया, उसके बाद फिर यहां पे टेंशन जीरो हो गया तो ऐसे कुछ आ जाएगा, समझ में आ रहा है। स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक। अब देखिए ध्यान से, यहां पे जब टी
अब टी को क्या कीजिए, जीरो कर दीजिए, फिर से बना लेते हैं हम लोग डायग्राम। नीचे हो गया एम जी, इधर हो गया टी, और इधर कितना है, वी वन है, और ये है थीटा। क्लियर है क्या? एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाई एल, यस और नो? क्योंकि सेंट्रीपिटल तो लगेगा ही लगेगा ना। तो जब एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाई एल होगा, तभी इस कंडीशन में क्या है, टी जीरो है, यस और नो? ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, यस और नो? तो अब देखिए ध्यान से, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, क्लियर है क्या? यस और नो? तो वी वन स्क्वायर हो गया एल जी कॉस थीटा, हुआ क्या? तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एल जी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस टू जी एल वन प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, लेते हैं यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, एल जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था, वी स्क्वायर माइनस टू जी एल वन प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? तो वी स्क्वायर हो जाएगा टू जी एल प्लस थ्री जी एल कॉस थीटा, यस और नो? हाँ, अब जो है हम लोग क्या किए हैं, हम लोग थीटा पे निकाले हैं कि वी क्या होना चाहिए, ठीक है ना? थीटा पर वी क्या होना चाहिए निकाले हैं, जब टेंशन क्या हो, जीरो, क्योंकि जब टेंशन जीरो हो तभी तो स्लैक करेगा ना। क्लियर है क्या? यस और नो? और उसके बाद फिर वो सर्कल से छूट जाएगा, तो सर्कल से वो छूट जाएगा। तो जब थीटा हाँ, तो अब देखिए ध्यान से, हमारा थीटा इसमें हो जाएगा 0 डिग्री टू कंप्लीट दी वर्टिकल सर्कल। कैसे होगा ये देख लेते हैं, सिंपल चीज है। देखिए ये थीटा है ना, तो ये जब 0 डिग्री हो जाए, मतलब कि यहां पे जब आ गया, तो फिर हम लगा सर्कल तो कंप्लीट हो गया ना, यस और नो? तो इसका मतलब कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एल प्लस थ्री जी एल इज इक्वल टू फाइव जी एल। क्लियर है क्या? तो वी जो है आपका, जब फाइव जी एल होगा या फिर उससे ग्रेटर होगा, तो फिर क्या करेगा, सर्कल कंप्लीट करेगा, सर्कल विल बी कंप्लीटेड। आ रहा है समझ में? यस और नो? कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं, ठीक है। और थर्ड, तो हम लोग ये पढ़ लिए कि जब v, v मतलब कि लोएस्ट पॉइंट पे, लेस देन इक्वल टू रूट टू जी एल होगा, तो क्या होगा, ऑसिलेट करेगा, यस और नो? है ना, 90 डिग्री से ऐसे। जब v ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फाइव जी एल होगा, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट करता रहेगा सर्कल। क्लियर है क्या? लेकिन जब v 2gl से बड़ा है लेकिन रूट 5gl से छोटा है, तो फिर क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। क्लियर है क्या? अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है वो 90 से 180 के बीच में कहीं पे तो वो छोड़ देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, ये जो है क्या करेगा, ये यहां से ऊपर गया लेकिन बेचारे यहां तक भी नहीं पहुंच पाए, तो ये यहां तक आएगा, और उसके बाद फिर बेचारे का टेंशन जीरो हो गया, क्या हो गया, टेंशन जीरो। तो ये थीटा पे, ये जिस वेलोसिटी से जा रहा था, ये वेलोसिटी से जा रहा था, यहां से ये प्रोजेक्टाइल कर लेगा, क्या कर लेगा, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है,
और ये थीटा कितना होगा, तो हम लोग ये पढ़े हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एल प्लस थ्री जी एल कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कोई दिक्कत नहीं है, आ रहे समझ में? यस और नो? ठीक है, इस थीटा पे ये सर्कल को छोड़ देगा और उस समय इसका वेलोसिटी वी वन क्या है, उस समय इसका वेलोसिटी रहेगा क्या था वी वन इधर एल जी कॉस थीटा ना, एल जी कॉस थीटा ये था ना एम वी वन का एल जी कॉस थीटा, और उस समय इसका वी वन रहेगा रूट ओवर एल जी कॉस थीटा। आ रहा है समझ में? यस और नो? इसका अब समरी हम दे देते हैं आपको। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का समरी, ठीक है, क्योंकि हमेशा आपको डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा, हमेशा आप डेरिवेशन कर भी नहीं पाइएगा। ये हो गया हमारा सर्कुलर गोला, सर्कल का गोला। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको वेलोसिटी दिया है v नॉट। ठीक है, पहला कंडीशन सीधा इस v नॉट को देखिए, तो v नॉट अगर लेस देन इक्वल टू रूट टू जी एल है तो क्या कर रहे, क्या करते रहेगा ऑसिलेट। ठीक है, रूट टू जी एल से लेकर के v नॉट रूट 5GL तक है तो क्या करेगा, हाँ एक थीटा पे आकर के लीव करेगा, थीटा पर आकर लीव करेगा। ठीक है ना, और ये थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2GL डिवाइडेड बाय 3GL। क्लियर है? और कितने से लीव करेगा, किस वेलोसिटी के से, वेलोसिटी क्या होगा लीव करने वाला, रूट ओवर एल जी कॉस थीटा। क्लियर है क्या? और ये यहां से आकर के जो है प्रोजेक्टाइल पे लीव करेगा। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है, यहां पे आपका ऐसा वेलोसिटी हो गया 90 डिग्री पे, यहां से ये थीटा है, इस थीटा से आपका 90 डिग्री पे वेलोसिटी हो गया, और अब आपके पास क्या है एम जी है। ठीक है ना, तो जैसे प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता था वैसे ही हो जाएगा। क्लियर है क्या? और थर्ड, वी नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5GL होगा तो क्या हो जाएगा, इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। कोई दिक्कत? अब देख लेते हैं हम लोग मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कीजिए, है ना। कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप, लूपिंग मतलब कि पूरा लूप कवर करने के लिए, रूट ग्रेटर देन रूट ओवर 5GR जो कि हम लोगों ने निकाल लिया था, लीविंग द सर्कल रूट 2GR से रूट 5GR के बीच में। ठीक है, और कॉस थीटा देखिए क्या है, 2GH माइनस यू स्क्वायर बाय आर जी। यहाँ पे थीटा जो है हमको लगता है इधर से लिया है क्या, थीटा ऐसा लिया है हम लोग इधर से लिए थे थीटा, ये याद रखिएगा किधर से लिए थे। ठीक है, ऐसा है, ठीक है। और कंडीशन फॉर ऑसिलेशन 2GR, ये हो गया समरी। दैट्स इट, आई फील दिस इज ओवर ओवर। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। क्लियर है क्या? ऐसा नो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मैं सॉल्व कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व होता है। क्लियर है क्या? हाँ, वो पटाखा क्या है?
ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम क्या करें, इसी में सॉल्व करके दिखाएं या फिर को कॉपी करके उधर सॉल्व करें, यहीं पे दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,